नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका में लोग पानी को लेकर त्रस्त है। हर रोज पानी को लेकर त्राही माम मचा हुआ है। वसई विरार महानगर पालिका नायगांव से लेकर विरार तक हर दिन पानी को लेकर कुछ न कुछ मामले सामने आते रहे हैं। उसी पानी के विषय को लेकर आज विरार क्षेत्र में एक बड़ा मोर्चा निकला। हालांकि रविवार का दिन था, फिर भी विरार में काफी बड़ा मोर्चा निकला। आप फुटेज में देख सकते हैं, ये मोर्चा विरार के सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार मयूरेश वाघ और उनके साथ पूर्व सभापति फिलहाल शिवसेना के नेता सुदेश चौधरी के आह्वान पर निकला। विरार के आरजे बार से ये मोर्चा निकला और विरार महानगर पालिका मुख्यालय पर आकर ये समाप्त हुआ। मोर्चे में सैकड़ों बल्कि हजारों लोग शामिल थे और इस मोर्चे की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि ये किसी पार्टी के बैनर तले नहीं था, तो इसमें कई बहुजन विकास आघाड़ी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी दिखाई दिए। आगे सुनिए मोर्चे के अगुवाई करने वाले मयूरेश वाघ का क्या कुछ कहना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। रुका मंच पे जा रहा था। क्या कहेंगे आज के मोर्चे के बारे में? आपको पता है कि वसई विरार पूरे महानगर पालिका के क्षेत्र में पानी की किल्लत कई दिनों से है। खास करके ये मोर्चा निकाला गया है विरार शहर को मद्देनजर रखते हुए। विरार की जो समस्या है, विरार पूर्व में फुलपड़ा, मनवेलपड़ा, स्पेसिफिक फुलपड़ा में 8-10 दिन पानी नहीं आ रहा है। महानगर पालिका की ओर से जो जलापूर्ति विभाग है वो पानी नहीं दे पा रहा है लोगों को, और लोगों में काफ़ी गुस्सा है लोगों के दिल में, और वो गुस्से को सबके सामने लाने के लिए आज ये जलाक्रोश मोर्चा रखा गया था फुलपाड़ा से। करीबन 3-4 हज़ार लोग इसमें आज हमें सपोर्ट करने के लिए आए, और मुझे बेहद खुशी है कि जिस तरीके से हम लोग पिछले 1.5-2 साल से MMRDA के स्कीम के लिए फॉलोअप कर रहे हैं, वो MMRDA की योजना लगभग पूरी होने को आई है। 99% उसका काम पूरा हो गया है, और महानगर पालिका की ओर से कुछ देरी हो रही है उस काम में। तो हमारी ये मांग है कि वो MMRDA का पानी, 170 MLD जो पानी MMRDA वसई विरार के लिए दे रही है, राज्य सरकार की ओर से 1300 करोड़ रुपये MMRDA खर्चा कर रही है। आज मैंने जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस साहब का मैंने आभार प्रकट किया कि वो जब मुख्यमंत्री थे तब ये योजना का शुभारंभ हुआ था, और वो
170 एमएलडी में से 80 एमएलडी पानी अभी महानगर पालिका उठा सकती है, लिफ्ट कर सकती है और वो पानी तुरंत लिया जाए और फुलपाड़ा की जो सहकार नगर टंकी है वो चालू करे। वेस्ट में ग्लोबल सिटी है, दिवेकर हॉस्पिटल है, गोकुल टाउनशिप है और वसई विरार में 16 नई टंकी बनी है और सब टंकी को भरा जाए। इसलिए आपने देखा रहेगा फुटेज में कितने भारी संख्या में लोग थे। हम लोगों ने, मैंने, सुदेश जी ने, हम सब लोगों ने मिल के लोगों को शांत रखा है, शांत किया है। नहीं तो आने वाले दिनों में अगर ये अपना जो कामकाज है इसको अगर नहीं सुधारेंगे तो लोग महानगर पालिका में घुस के उनका जवाब पूछेंगे। सुदेश जी अपन काय सांगेल, अपन त्या विभागातले पूर्वीचे सभापती होते, तुमच्या पण पाठपुरावाने लोक एकत्र झाले, काय सांगतील? मी सभापती पूर्ण महापालिकेचा होतो आणि गेले 20 वर्ष मी लोकप्रतिनिधी या नात्याने काम करतोय। ही जी टंचाई आहे, ही पाणी टंचाई, माझा आरोप आहे की ही कृत्रिम पाणी टंचाई आहे। कारण आज काल आमचा मोर्चा ठरला आणि काल रात्रीपासून भरपूर पाणी द्यायला सुरुवात केली आणि आज सकाळी मोर्चाला लोक येऊ नयेत म्हणून देखील पाणी दिलं आणि ते इतक्या प्रेशरने पाणी होतं की लोक अचंबित पडले की एवढं प्रेशरने पाणी कसं काय आलं। याचा अर्थ सरळ आहे की महानगरपालिकेकडे पाणी भरपूर आहे आणि आपण कधी मंडळीने पाहिलं, पालघरला मासवणच्या इकडे व्हिजिट केली तर त्या नदीमध्ये भरपूर पाणी आहे, परंतु या ठिकाणची जी पाण्याची टंचाई आहे, कृत्रिम पाणी टंचाई आहे, माझा आरोप आहे। पण ते नागरिकांना त्यांचा हाल परिणाम भुगतायला लागतो, त्याचं मागचं कारण काय? त्याच्या मागचं कारण, हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।